गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 1 मई, दिन शुक्रवार, और शाम के करीब 5 बज रहे हैं। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने कुछ वीडियो शूट किया है और कैमरे के सामने बिल्कुल आना भूल गई। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा मोड़ा जो वीडियो बनाई हूँ वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूँ। आप लोगों का भी हक है देखने का। तो मैंने क्या क्या किया चलिए दिखा देती हूँ। तो बस वही आप लोगों से सोचा पहले मिल लूँ फिर वीडियो दिखाऊं। तो मुझे कल याद ही नहीं रह गया कि मैं कैमरे के सामने आऊं और अपना खुशी आप लोगों के साथ जाहिर करूं। तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स। और वीडियो को चलिए देख लीजिए और इंजॉय कर लीजिए। और मैंने अपने हाथों से केक बनाया था, केक का भी मैं वीडियो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले आप मेरे वेडिंग एनिवर्सरी वाला वीडियो देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में केक वाला भी डाल दूंगी, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए आप लोगों को दिखा दूं। बहुत कुछ नहीं कर पाई थी, बस सिंपली सा था, बच्चों के मन के लिए करना पड़ा। तो हमेशा तो मैं केक नहीं बनाती थी क्योंकि हस्बैंड जी बाहर से ले आते थे, इस बार मैंने खुद ही बनाया। तो चलिए आप लोगों को अच्छा या बुरा दिखा देती हूँ, जो है सो है। तो चलिए वीडियो देख लीजिए और फुल एंजॉय करिए। अगर वीडियो में कुछ भी कमी रह जाए तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, काले वाले चने की सब्जी बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये प्याज है और लहसुन और हरी मिर्च और 2 टमाटर, इनका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और आलू और चने को मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए, और इन्हें मैं मिक्सर की जार में लेकर के अच्छे से पीस लूँगी और पेस्ट बना के रख लूँगी। खाने में बस बहुत ही सिंपली था, पूड़ी, खीर और काले चने की सब्जी। तो ये देखिए, ये पेस्ट बन चुका है और इसमें मैंने मसाला भी तुरंत ऐड कर दिया था। तो इसमें लिया है 2 चम्मच के करीब धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने लिया था क्योंकि मैं हरा मिर्च ज़्यादा यूज करती हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और बस यही मसाले थे। अब इन्हें मैं रख दूँगी फूलने के लिए। तो अभी मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और कढ़ाई को थोड़ी देर हीट करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल, और एक प्याज भी मैंने कट करके रख लिया है, और उधर मैंने खीर भी चढ़ा दिया है। पहले मैं दूध बॉईल करूंगी। दूध बॉईल करने के बाद मैं इसमें 1 गिलास के जितना पानी ऐड करूंगी। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को फुल इन्जॉय करिए, फुल वॉच करिए, और अपना प्यार सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहिए ताकि मैं भी आगे जाऊं। अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, और मसाले को हम 2 या 3 मिनट ढक ढक के पकाएंगे। और इधर मेरी दूध भी बॉईल हो चुकी है, मैंने उसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, और धीमी धीमी आंच में मैं मसाले भूनूंगी। तो ये देखिए, मसाले भून रही है। मसाला हमें तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो चना बॉईल होके रख दिया है मैंने, और चावल भी धुल के रख दिया था, और दूध मेरी बॉईल हो चुकी थी तो मैंने उसमें चावल डाल दिया है। अभी मैं उसमें ड्राई फ्रूट और चीनी नहीं डालूंगी, जब तक चावल अच्छे से पक नहीं जाएगी तब तक मैं उसमें
चीनी और ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी, तो खीर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बिल्कुल ही कम फ्लेम में बनाती हूँ। तो ये देखिए, चना को मैंने पानी सहित, मैंने जो चने उबाल के रखे थे तो उसका पानी मैंने फेंका नहीं था, तो उसे मैंने पानी के से ही डाल दिया। और तीन आलू मैंने उसी में डाल दिया था छील करके, तो आलू भी साथ में डाल दूंगी और एक या दो उबाल लूंगी। फिर मैं, मेरे पास हरा धनिया नहीं है तो मैं हरा धनिया के जगह पे कस्तूरी मेथी डालूंगी, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो आप लोग भी कस्तूरी मेथी का ही सेवन करिए, हरा धनिया अगर नहीं है आपके पास तो। तो ये देखिए, चावल भी पक चुकी थी, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है और इसे फिर हिला दूंगी और फिर शक्कर मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस इसे, ये मेरी रेडी हो चुकी है सब्जी भी और खीर भी, केवल पूड़ी बनाना है। तो चलिए, आप लोग जुड़े रहिए। अभी मैंने पूड़ी भी फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा पूड़ी और है, मेरी सासू माँ बैठ करके बेल रही हैं और मैं छान रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एनिवर्सरी के दिन ये ब्लैक साड़ी पहनी है, तो हाँ, मैं ब्लैक साड़ी पहनी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ब्लैक साड़ी बहुत पसंद है, तो उन्हीं की पसंद से मैंने पहना है। तो आई होप आप सबको बुरा नहीं लगेगा। हो चुकी है और हम दोनों माता के सामने माथा टेकने आए थे और केक कटने की तैयारी हो रही है। बच्चे उधर इंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा जल्दी आओ। तो ये देखिए, केक भी कट रही है, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ और हमारे खुशी में शामिल हो जाइए। तो इसी तरीके से मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी, तो आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। और केक ही बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। हम दोनों को ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थाली भी लग चुकी है खाने के लिए, तो आ जाइए हमारे साथ खा लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।